सोलन में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित साहित्यक संगम संस्था द्वारा संस्कृत श्लोकोच्चारण एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्कृत अकादमी के सचिव डॉक्टर मस्तराम शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रतियोगिता में सोलन के विभिन्न स्कूलों से 30 के करीब प्रतिभागियों ने भाग लिया और भाषण प्रतियोगिता में डीवी स्कूल के मितली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वही श्लोकोच्चारण में गुंगा घाट स्कूल की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा विजेताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संस्कृत अकादमी के सचिव डॉक्टर मस्तराम शर्मा ने कहा कि संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति की आत्मा है और संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा का विस्तार और विकास पुरजोर रूप से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा संस्कृत भाषा के लिए आयोजित कार्यक्रम का पूरे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत है। देखकर ये बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में एक प्रेरणा जाती है कि संस्कृत भाषा का गौरव किस प्रकार से पूरे हिमाचल प्रदेश में है, वहां ये संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति की आत्मा है और इस आत्मा का जो विस्तार विकास सतत होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं यहां की इस संस्था के लिए। हिमाचल प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत ये लोग बने हैं और मैं चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जहां इस प्रकार की संस्थाएं संस्कृत और साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रही है, वहां नवोदित जितने भी कवि हैं उनके लिए भी मंच प्रदान कर रही है, तो इनके लिए मैं शुभकामना देता हूं। नान्तं न मध्यं न पूर्णास्तिवादी पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं मादिदेवा पुरुषा पुराणस् त्वमास्य विशस्य परं निदानं वेतासि वेदं च परं च दां तव्याततं विश्वम् अनन्तम्। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनो के आधार पर। वानर से इंसान तक का सफर नहीं था आसान, मस्तिष्क की शक्तियों से खुद मानव था अंजाम।